नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा गांव मेरा देश। आज हम बात करेंगे कि जहां पर विधायक द्वारा क्या कुछ काम कराया गया या फिर नहीं कराया गया, कितना काम पूरा और कितना काम रह गया अधूरा, इस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही इस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या विधायक जी अपने काम से जनता या अपने काम से जनता के बीच हो गए फेल। पीलीभीत सदर विधानसभा की, दर्शकों उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में हर जगह का चुनावी मौसम चुनावी जो को उसको पलटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार हवा का रुख, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो भीड़ के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितनी भीड़ आई, क्या यह भीड़ में बदल पाएगी या नहीं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले जमीन पर दरअसल क्या हाल है, क्योंकि ऊपर का मौसम गुलाबी है या कितना सफेद है या कितना काला है, इसको समझने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि चुनाव होने वाला है और दरवाजा खुलने वाला है। खुलेंगी तब ये सियासी लड़ाई खत्म होगी, लेकिन उससे पहले जमीन पर क्या लड़ाई चल रही है, जमीन पर जनता के बीच और उनके स्थानीय विधायक स्थानीय नेता के बीच क्या कुछ लड़ाई है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और उसको जानेंगे जरूर। लेकिन उसको जानने के लिए कैसे हम क्या कुछ करेंगे वो आपको समझाते हैं। हमारे साथ स्थानीय दो नेता छुड़ेंगे, एक नेता वो जो कि सिटिंग एमएलए की पार्टी के हैं, दूसरे नेता वो जो वहां पर मुख्य विपक्ष का चेहरा है। और साथ ही साथ आज पहली दफा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हम फोन लाइन्स खोल रहे हैं जनता के लिए कि आम आदमी आम लोग भी अपनी बातों को रख सकें, आम लोग क्या कुछ सोचते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं वो फोन्स के जरिए हमसे सीधे बात कर सकते हैं। दर्शकों फोन लाइंस खुली हैं आपकी स्क्रीन पर, लगातार ये फोन लाइंस फ्लैश हो रही हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि आप अपने स्थानीय विधायक के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। तो आज फोन लाइंस सिर्फ और सिर्फ पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए खुली है, तो पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे एज अ कॉलर वो जुड़ सकते हैं और जो यहां पर नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका नाम है संजय सिंह गंगवार। सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में गया होगा कि ये क्या वही संजय सिंह गंगवार हैं जिनका 2 साल पहले एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें संजय सिंह गंगवार एक एआरएम को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे थे। कह रहे थे कि उनके आदमी को ड्यूटी पर तुरंत ज्वाइनिंग दिलाओ वरना वहीं आकर हिरन बना देंगे। ये वही संजय सिंह गंगवार हैं। इसके साथ ही साथ संजय सिंह गंगवार पर इससे पहले रंगदारी तक के आरोप लग चुके हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक विधायक पर रंगदारी तक के आरोप लग चुके हैं। तो एक तरीके से ताकतवर और एक तरीके से बड़े दबंग छवि के नेता माने जाते हैं संजय सिंह गंगवार, पीलीभीत से एमएलए। आपको इससे पहले पीलीभीत का इतिहास बता देते हैं। संजय सिंह गंगवार से पहले पीलीभीत के जो विधायक हुआ करते थे वो लगातार 3 बार सिटिंग एमएलए रहे, 3 बार सिटिंग एमएलए थे। और कौन सी पार्टी से, तो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी से 3 बार लगातार सिटिंग एमएलए हाजी रियाज अहमद 2017 के चुनावों में संजय सिंह गंगवार से हार गए। अब आपने कि नेता है, चुनाव है तो खर्चा भी चलता है और पर्चा भी चलता है, और जिस नेता का खर्चा और पर्चा दोनों दुरुस्त होते हैं वो दरअसल बाजी मार जाता है। तो संजय सिंह गंगवार ने कितना पैसा लुटाया, कितना धन वर्षा करी 2017 के चुनाव में, एक बार आपको ये बता देते हैं। तो 2017 के चुनावों में अपनी जेब से अपना खुद का पैसा जो संजय सिंह गंगवार द्वारा लगाया गया वो था 5,75,000 रुपए। इसके साथ ही जो पार्टी फंड था, जो पार्टी की तरफ से जो धन वर्षा की गई थी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए संजय सिंह गंगवार के लिए, वो था 5,00,000 रुपए। उसके साथ ही कंपनी फर्म और डोनेशन की तरफ से, डोनेशन जो जनता देती है ना, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, दुकान वाले भी देते हैं, साई भी देते हैं, टाइल वाले भी देते हैं, दुकान वाले भी देते हैं बड़े बड़े, तो उनसे जो पैसा मिला वो था 4,50,000 रुपए। तो सारा पैसा मिलाकर जो विधानसभा क्षेत्र में जो वोटरों को साधने की जो कोशिश हुई वो पैसा था दर्शकों 15,25,000 रुपए।
पर्चा गिनवा रहे थे, एक ही पर्चा तो दाखिल करेंगे विधायक जी एक बार फिर से, लेकिन विधायक का विरोध काफी हो रहा है, विधायक का विरोध विधानसभा क्षेत्र में काफी हो रहा है। आम जनता कह रही है कि विधायक जी जितना काम करवा सकते थे शायद उतना काम नहीं करवाया। इसी को समझने के लिए आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बातचीत होगी। तो खर्चे और पर्चे पर तो बात लगातार हो रही है, लेकिन इससे पहले एक चीज समझिए कि ट्रांसपेरेंसी की बात होगी आज, क्योंकि लगातार ऐसा जब हमने जमीनी सर्वे करवाया, जब हमने जमीनी पड़ताल करवाई, तो निकल कर आया कि दरअसल विधायक के लिए लोगों का कहना है कि विधायक जी जितना काम करवा सकते थे उतना काम विधायक जी द्वारा नहीं करवाया क्या। तो विधायक जी कितना पास है कितना फेल, इसको हम अपने माध्यम से कहेंगे नहीं, इसलिए हमने आज ट्रांसपेरेंसी रखी है। कैसी ट्रांसपेरेंसी? कार्यक्रम में फोन लाइन्स हैं, फोन लाइन्स में कोई भी रैंडम पर्सन किसी भी पार्टी से किसी भी दल से हो सकता है, आम इंसान हो सकता है, गृहिणी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक भी ना रहा हो, एक आम आदमी हो, वो अपना जो भी उसका कहना है, जो भी उसके मन में है, वो बात को यहां पर स्क्रीन पर हमारे चैनल के जरिए रख सकता है, उसको एक मंच दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो हमने खर्चा करवाया, तो नेताजी का खर्चा दरअसल दुरुस्त है, अब पर्चा भरेंगे तो खर्चा भी समझ लेते हैं। तो एक और बार दोबारा आपको बता देता हूं, अपनी जेब से, अपनी वॉलेट से, अपनी पर्स से जो खर्चा किया वो था 5,75,000 रुपए। पार्टी की द्वारा दिया गया पैसा था 5,00,000, कंपनी फर्म डोनेशन, डोनेशन माने बहुत से लोग डोनेट कर देते हैं कि ठीक है विधायक जी हैं भैया इनको चुनाव जितवाएगा, तो इतना पैसा इनको दिया गया, पैसा था 4,50,000 रुपए। तो कुल जो खर्चा किया है विधायक संजय सिंह गंगवार ने वो था 15,25,000 रुपए। 15,25,000 रुपए का खर्चा विधायक ने भरा पर्चा, और विधायक जीते कितने मतों से? तो जीते हैं 43,000 मतों से। किनसे? रियाज अहमद से। रियाज अहमद बड़ा नाम, पीलीभीत में बच्चा बच्चा जानता है रियाज अहमद, 3 बार के सिटिंग विधायक, 3 बार के सिटिंग MLA, समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात, और इनको हराने का काम किया बीजेपी ने। आपको बता दूं दर्शकों, 2012 में बीजेपी तीसरे पायदान पे थी, इससे पहले की बात करूं तो बीजेपी दूसरे पायदान पे थी, लेकिन इस बार 2017 में बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में परचम तो लहराया ही लहराया, पीलीभीत में सपा का जो डंका था उसको भी तोड़कर जमीन पर गिराया। तो आज हम बात कर रहे हैं पीलीभीत की, पीलीभीत में क्या कुछ हुआ, जनता से सीधी बात होगी, नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पीलीभीत के 2 स्थानीय नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ काम हुआ क्या कुछ काम नहीं हो सका। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम आपको पीलीभीत का दर्शन करा रहे थे कि पीलीभीत में जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, महिलाओं को आज भी दूर दराज के इलाकों में अन्य जिलों में जाना पड़ता है, किस लिए? पढ़ाई के लिए। तो महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, बड़ी समस्या है। कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, यह भी बड़ी समस्या है, और जिला अस्पताल के हाल तो बेहाल है, हर जगह की बात है, इसमें कुछ नया नहीं कुछ पुराना नहीं, कहने सुनने की कोई बात नहीं। दोनों गेस्ट को मेरे साथ स्क्रीन पर जोड़िए जरा, स्थानीय नेता है दोनों ही, पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाम हेमराज दिवाकर है, भाजपा नेता है, नदीम मलिक साहब है, आप विधानसभा, आप भी 127 सदर विधानसभा से सपा नेता है, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, आवाज मेरी बिल्कुल शानदार तरीके से आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो भाजपा नेता पर आते हैं, हेमराज दिवाकर साहब, चुनाव सर पर आ गए हैं, क्या लगता है जनता कितना खुश है या कितना नाखुश है, क्या कहेंगे? काम जो सोचे थे, जो 2017 में जो ठाना था जिसके जरिए आप चुनाव में आए थे, क्या वो काम पूरे करवा सके या कुछ रह गया अधूरा? जी, हम लोगों ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उस पर हम खड़े उतरने का काम किया है। हमारी पार्टी ने जो नारा दिया था उस पर हम 100% खड़े उतरे हैं, और उसी विश्वास को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हमने जो वादा किया था किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, पूरे जिले पूरे प्रदेश को एक साथ लेके चलेंगे, चाहे वो योजना के माध्यम से, एक साथ कैसे लेकर चलेंगे के माध्यम से, एक साथ कैसे लेकर चलेंगे? जो चुनावी हमने सर्वे करवाया पीलीभीत का तो पता लगा है सड़कों की तबीयत बहुत खराब है, अब सड़कों की जब तबीयत खराब है तो एक साथ कैसे लेकर चलेंगे? सुनिए भाई साहब, हमने सारे रोडों को सुचारू रूप से ठीक करने का काम किया, नेशनल हाईवे करने का काम किया है, हमने बीसलपुर से बिलझंडा रोड नेशनल हाईवे करने का काम किया है, हमने पीलीभीत से पूरनपुर माधो टांडा रोड बनाने का काम किया है, हमने पीलीभीत से खदीमा रोड बनाने का काम किया है, हमने पीलीभीत से रिचा रोड बहेड़ी बनाने का काम किया है। ठीक है, हमने किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया है,
हमारी सरकार ने निसंकोच कोई संकोच न करते हुए ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। जो अगर योजना आई है तो सबका साथ सबके विकास के साथ हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है हेमराज जी, नदीम मलिक साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हेमराज जी ये बताइएगा जरा, मुझे ये समझाइएगा जरा कि आपने जो काम किए, इसके अलावा आप महिला डिग्री कॉलेज, बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है, इसको लेकर क्या कुछ सोचा? जी हम लोग सारी चीजों पे हर पहलू पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पीलीभीत में मुझे लगता है अगर महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, हमारे पीलीभीत में डिग्री कॉलेज है, बहुत सारे डिग्री कॉलेज है, तो हम उससे बहुत जल्द प्रयास करेंगे। ठीक है तो आप प्रयास करेंगे, पांच साल में प्रयास क्यों नहीं कर सके आप, क्या समस्या थी? नहीं नहीं भाई साहब, काम देखिए हमारे यहाँ कई महिला डिग्री कॉलेज हैं, राम लोहाई महिला डिग्री कॉलेज है, हमारे यहाँ बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल हमारी सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जो पटल पे ना दिखाई दे रहा हो, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो जमीन पे दिखाई दे रहा है, हवा हवाई नहीं है। ठीक है चलिए, खाली फीता काटने चले जाएं, हम जो करते हैं वो दिखाई देता है। ठीक है आप जो करते हैं यही तो समस्या है, वहां की आम जनता कह रही है कि जो राज्य सरकार के द्वार से किया गया, जो लखनऊ से काम हुए हैं वो ठीक है, जैसे राशन बंटवाना तो ये पूरे प्रदेश में बंटा है, अब सड़कों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है तो वो मत करिए, स्थानीय लेवल पे आपके द्वारा क्या काम किया गया, एक काम बताइएगा जरा। सुन लीजिए भाई साहब, हमने सांस लेकर लंबी सांस लेकर एक काम बताइए काम किया है, और हम बरेली टू पीलीभीत उस रोड पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है भाई साहब, किसी तरह से हम कोई ऐसा काम नहीं जिसको हम कर नहीं रहे। ठीक है अब चलिए नदीम जी पर बात आते हैं, नदीम जी के पास आते हैं। नदीम जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने सारे काम करवाए हैं, तो आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर? सर आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को एक छोटे से शेर के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है कि कहानी बदली जाएगी, किरदार बदले जाएंगे, किताबें बदली जाएंगी, अखबार बदले जाएंगे, बस कुछ और दिन की बाकी है इनकी हुकूमत, फिर देखना पीलीभीत के चौकीदार बदले जाएंगे। ठीक है आपसे सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और आपसे कहना भी चाह रहा हूँ, पीलीभीत के अंदर 4.5 साल से भी ज्यादा की हुकूमत हो गई, कहीं आपको कोई रोड नजर आया हो, कहीं आपको अच्छा पार्क नजर आया हो, कहीं आपको नहीं, बिल्कुल टाइगर रिजर्व के लिए उन्होंने कोई नदीम काम किया हो, आपसे भी दरअसल नदीम साहब कोई हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने कोई काम, बिल्कुल ठीक है नदीम साहब ध्यान से सुनिएगा नदीम साहब, ठीक है नदीम साहब थोड़ा ठहराव करिए, आपने कहा ना तो कोई सड़क नजर आती है, ना तो कोई पार्क नजर आता है, ना कुछ भी नजर नहीं आता, मतलब आप 2017 से पहले कर क्या रहे थे, क्या मलाई चाट रहे थे सत्ता की, कर क्या रहे थे आप 2017 से पहले? 3 बार लगातार सिटिंग एमएलए, इलाका तो चमन हो जाना चाहिए था, सड़कें नजर आनी चाहिए थी, अस्पताल नजर आने चाहिए थे, हर चीज नजर आनी चाहिए थी, पार्क नजर आने चाहिए थे, 2017 से पहले क्या कर रहे थे आप? हेमराज जी जो कह रहे हैं कि ये पीलीभीत से बरेली वाला रोड जो सितारगंज को जा रहा है ये लोग बन नहीं 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 देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरा ठहरिए नदीम साहब हेमराज जी ने जो कहा उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले नदीम साहब आपने कहा कि सड़कें नजर नहीं आती, पार्क नजर नहीं आते, इंस्टीट्यूशंस नजर नहीं आते, ये संस्थान नजर नहीं आता, वो संस्थान नजर नहीं आता, 2017 से पहले जो 3 बार पलथी मार कर आप सत्ता के जो बैठे हुए थे चेयर पर, तो क्या कर रहे थे भैया? जनता जवाब पूछ रही है, पीलीभीत की जनता के लिए स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, जनता देख रही है, बताइए 2017 से पहले कुछ करें नहीं क्या? 2017 से पहले तीन टर्म्स तक क्या किया आपने? जो सड़क नजर नहीं आती आपको, आज पार्क नजर नहीं आता, देखिए सर टाइगर रिजर्व पे पूरा काम समाजवादी सरकार में हुआ, आपका पीलीभीत को पहला ओवर ब्रिज देने वाली हमारी समाजवादी सरकार थी, ठीक है, और इसके अलावा अमरिया ब्लॉक में जितना भी सड़कों का कार्यकलाप हुआ जो लड़ोड़ीखेड़ा ब्लॉक में हुआ समाजवादी सरकार में हुआ। अब आप सर खुद बताइए उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क 5 साल से ज्यादा क्या चल, 5 साल पहले जो सड़कों का निर्माण किया गया वो आज टूट के जर्जर हालत में आ गई, इनके द्वारा आज तक उनका पैचअप तक नहीं किया गया है। ठीक है अब एक बारिश हो जाए तो आप हालात देख लीजिए पीलीभीत के क्या हालात हो जा रहे हैं।
और आप कह रहे हैं सर एक चीज और है, 30 साल से इनके अपने सांसद हैं, 30 साल में उन सांसद महोदय ने आज तक क्या किया पीलीभीत के लिए? क्या है? आप मतलब कुल जमा बात नदीम साहब आप ये कह रहे हैं कि काम सारे आपके, बाद में फीता ये काट के मौज कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल सर, ठीक है। अब ऐसा ना हो जाए कि चुनावी रैलियां तो आप कर रहे हैं, पूरी मेहनत तो आप कर रहे हैं, जनता को आप पूरी तरीके से अपने अंडर में ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाद में कहीं फीता काट के ये ना बैठ जाए। समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, 2022 में 20 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, परिवर्तन की पूरी लहर है और परिवर्तन के लिए सब दूरगामी सोच के हैं सपा के नेता, दोनों की ही जरूरत है। ठीक है, बड़ी दूरदर्शी सोच है आपकी। चलिए, जनता को भी फोन लाइंस खुली हुई है, जनता के लिए फोन लाइंस खोलेंगे, पीसीआर से अनुरोध करेंगे कि जनता के कॉल्स को भी अटेंड किया जाएगा, साथ ही असाइनमेंट महोदय से भी अनुरोध है कि कॉलर्स को जो है लिया जाए। चलिए, तो हेमराज साहब बहुत दूरदर्शी सोच के हमारे सपा के जो भाई हैं यहाँ पर नदीम साहब, इन्होंने तो तारीख भी बता दी, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है वो भी बता दिया, शपथ ग्रहण समारोह का बस वेन्यू नहीं बताया कि कहाँ पर होना है, इस बार कहीं नई जगह तो नहीं है, तो वो और आप बता दीजिए थोड़ा। तो सुनिएगा, ऐसा है ना, दूर से लोग जॉब में होते हैं ना सर, आप हुआ क्या, सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई ना सर, जो दलाली की है इन्होंने, जो भ्रष्टाखोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, रोड पे कैंप लगा कर, रोड पे बैरियर लगाकर इन्होंने जो लूटखोरी की है भाई साहब, वो दुकानें बंद हो चुकी है। आपके आपकी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं संजय सिंह गंगवार साहब, उनका 2 साल पहले का एक बड़ा मनमोहक वीडियो दिखा, इतना मनमोहक था कि अगर मैंने बच्चे को दिखा दिया तो बच्चा डर जाता, ये तो आपके विधायक की दबंगई का एक छोटा सा नमूना था। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, अब वो नमूना इतना त्रिक था जिसमें वो कह रहे हैं कि आगे तुझे हिरन बना दूंगा, तो ये विधायक जी के पास कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है कि वो आम जनता को हिरन बनाते हैं? ठीक है, आप सुनिए, तो मुस्कान चली गई आपके चेहरे की, पहले मुस्कान के साथ वापस आइए, आप सुनिए भाई सर, है क्या हमारे विधायक ने ऐसा कुछ कहा नहीं जो आपको लग रहा है? अगर कोई अधिकारी हमारे विधायक से कोई बदतमीजी करेगा तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, जमानदारियों की तरह तो गुंडई का तो आप आरोप लगाते हैं सपा पे कि गुंडई करते हैं सपा, आप खुद गुंडई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, चलिए ठीक है, कॉलर जुड़ गए, कॉलर सवाल करेंगे आपसे, ठीक है, कॉलर का नाम बताइएगा जरा, ठीक है, कॉलर को जोड़ेंगे, लेकिन ठीक है कॉलर को जोड़िए, एक आम दर्शक जुड़ गए हेमराज साहब, हेमराज साहब एक आम दर्शक जुड़े, इनको जरा लीजिए आवाज, लीजिए ऑडियो लीजिए इनका, चलिए ठीक है ऑडियो लीजिए, इनका ऑडियो लीजिए। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, हेलो, चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो में कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है तो उस पर वापस आएंगे। हाँ हेमराज साहब, आप चलिए कंटिन्यू करिए, क्या कह रहे थे आप, क्या सफाई दे रहे थे? अरे तब तक हेमराज साहब का तो ऑडियो खोल दीजिए जी। हाँ ठीक है, कोई भी अधिकारी, हाँ, कोई अधिकारी सम्मान को अगर हजम नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो उसमें विधायक की कोई कमी नहीं है ना, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ, हमारा एक विधायक कहीं बदतमीजी करते हुए नहीं पाया जाता है, हाँ, हमारे संगठन ने नहीं सिखाया जाता, प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे आज, प्रदेश की बात नहीं कर रहे आज, पीलीभीत की बात कर रहे हैं, तो पीलीभीत की बात, हेमराज साहब बड़ी ईमानदारी के साथ बताइएगा, देखिए दबंग नेता होना कोई बुराई नहीं मानता मैं इसको, दबंग का तरीका अलग होता है, सम्मान के लिए लड़ने वाला, अपने काम के लिए लड़ने वाला वो है, तो संजय सिंह गंगवार साहब जो है वो दबंग छवि के नेता हैं कि नहीं है? नहीं ऐसा देखिए, वो बहुत लोकप्रिय नेता है, इतने लोकप्रिय नेता है पूरे, देखिए भाई साहब, कोई आदमी अगर कोई बदतमीजी करता है, अगर किसी प्रतिनिधि से बदतमीजी करता है तो ये विधायक जी हिरण बना देते हैं ना जी। ठीक है, चलिए कॉलर जुड़ गए हमारे साथ दोबारा एक बार, नमस्कार साहब जी, नमस्कार नमस्कार, अरे हेमराज साहब आपसे नहीं बात, चलिए ठीक है कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार साहब, हेलो, चलिए ठीक है, हाँ हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर पीलीभीत से बात कर रहा हूँ, पीलीभीत से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइएगा जरा। मेरा नाम रिंकू राजपूत है जी, रिंकू अवस्थी, रिंकू राजपूत, रिंकू राजपूत सर,
चलिए ठीक है, शायद ऑडियो का कुछ अनका, जरा ऑडियो बढ़वाइएगा जरा। चलिए आप रिंकू अवस्थी बोल रहे हैं आप? जी जी ठीक है। रिंकू अवस्थी जी, आपके सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सम्मानित नेता लोग बैठे हुए हैं, एक बीजेपी से हैं और दूसरे जो हैं आई गई पार्टी के, दोनों नेता हैं। आई पार्टी के बीजेपी से हमारे साथ हेमराज जी हैं और दूसरे गई पार्टी से हमारे साथ सपा नेता नदीम भाई हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी वाले जो नेता जी कह रहे हैं कि भैया पीलीभीत जो है वो दरअसल पेरिस बन गया, इतना खूबसूरत इतना शानदार बन गया, और सपा के जो नेता जी हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हम थे तब तक तो यहाँ स्वर्णिम विकास की गंगा बही, और जैसे ही हम गए तो बीजेपी वालों ने वहां पर आकर दीवार खड़ी कर दी, बांध मार दिया। तो भैया बताइए कौन सच्चा कौन झूठा, जमीनी हकीकत क्या है? रिंकू जी मैं कह रहा हूँ सर, अगर ज्ञान की गंगा वहां बह रही थी तो पिछले कुछ समय में कोई तो कार्य हुआ नहीं था। बीजेपी जब से है सारे कार्य हमारे हित में होते हैं, मतलब हित का मतलब है सारे जनता के हित में होता है, कोई भी कार्य जो है वो जनता के हित से अलग हटके कोई कार्य नहीं है। सौंदर्यीकरण का भी कार्य सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, ठीक है। सपा की सरकार में हमें ऐसा कोई कार्य नजर नहीं आया क्योंकि हम उससे खुश होते, ठीक है। आखिरी दफा विधायक जी से कब मुलाकात हुई थी आपकी, कब मिले थे उनके घर पर? विधायक जी से मुलाकात तो खैर ना के बराबर कम होती है, लेकिन विधायक जी के कार्य से हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है। क्षेत्र में आते हैं विधायक जी? विधायक जी क्षेत्र में आते हैं? क्षेत्र में आते हैं विधायक जी? विधायक जी आपके इलाकों में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं? विधायक जी क्षेत्र में भी आते हैं, विधायक जी कोई भी समारोह हो छोटा मोटा, अभी दरअसल हमने अपने मोहल्ले में ही जागरण का प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमारे माननीय विधायक जी आए थे और हमारे प्रोग्राम को सुंदर बनाया था उन्होंने आके, तो किसी भी कार्य के लिए बुलाते हैं तो विधायक जी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हेमराज जी की मुस्कान वापस लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। तो हेमराज साहब, यहाँ तो पास का ठप्पा लगा के चले गए, खुश हैं आप? खुश हैं आप? मैं खुश हूँ, पार्टी से खुश हूँ, अपनी सरकार से खुश। कहीं अपने ही लोगों को तो नहीं कह दिया आपने कि फोन करो फोन करो? नहीं भाई साहब, नहीं नहीं ऐसा। चलिए ठीक है, नदीम साहब पर आएंगे। तो नदीम साहब, अब जब विधायक अपने लोगों के बीच में जाने लगता है तो दरअसल उस विधायक को कहीं ना कहीं समझा जाता है कि हाँ ये विधायक जो है ये काम कर रहा है, पास है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधायक अपने घर तक सीमित है, अपने घर पर बैठा है, वो जनता के बीच जा रहा है तो जनता उसको समझ रही है कि ठीक है हमारा विधायक जो है हमारे द्वार आ रहा है। तो नदीम साहब क्या कहेंगे इस पर? सर मैं, मेरा गांव अमरिया ब्लॉक में पड़ता है, अमरिया से करीब 5 किलोमीटर दूर पे है, और पिछले 5 साल हो गए मैंने तो अपने गांव में आज तक अपने विधायक को देखा नहीं, एक चीज। दूसरी चीज सर, नहीं एक एक सवाल लेते चलिए, हेमराज साहब काहे नहीं जाते इनके गांव में? IGRS का सर इनका एक पोर्टल है, उस पे मैंने 10 से 15 बार शिकायत की कि मेरे गांव का जो लिंक रोड है जो मुख्य सड़क से जुड़ता है वो करीब 4 साल से टूटा हुआ है, इसको ठीक करा दिया जाए, चाहे इसका मरम्मत करा दी जाए या नया डलवा दिया जाए, आज तक सर उस पे कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, अब जो श्रोता बोल रहे थे ये कोई आम जनता के नहीं थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो अपनी सरकार का इन्होंने बख्यान किया। एक कॉलर कॉल लिया जाएगा, 30 साल से इनके सांसद पीलीभीत के हैं और एक हाई प्रोफाइल सांसद हैं जो देश के टॉप 100 लोगों में से उनकी गिनती है। आप बताइए इतना हाई प्रोफाइल सांसद हो के, और पीलीभीत को अगर हम कहीं बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई या बेंगलोर में तो हम पीलीभीत का नाम अगर बताते हैं तो पहले हम ये कह देते हैं कि माननीय सांसद वरुण गांधी जी हमारे यहाँ से हैं, तो वो पहचान लेते हैं ठीक से कि हाँ पीलीभीत ये शहर। आप एक काम बता दीजिए जो पीलीभीत के लिए हुआ हो और जिसमें ये रहा हो कि उत्तर प्रदेश की या देश की नजर हमारे पीलीभीत की तरफ पड़ी हो। यहाँ से मेनका गांधी जी भी सांसद रही हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रही थी, पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर रही थी, कोई काम नहीं। अब रहा इनके विधायक का सवाल, विधायक जी सांसद जी के रोज ऑडियो वीडियो जारी होते हैं, कोई जूते मारना चाह रहा है, कोई किसी की चप्पलें उठाना चाह रहा है, सर इनके द्वारा
कोई कारण तो छोड़िए, ये तो देखिए आपके यहाँ हो रहा है। अब आप अभी आरोप लगा दें कि 2017 में चाचा भतीजे के पीछे थे, भतीजे चाचा के पीछे थे। चलिए ठीक है नदीम साहब, एक एक करके सवाल लेंगे, एक एक करके नदीम साहब, एक एक करके नदीम साहब ने किया गया ठीक है। अमूमन सर जो इनकी विधायक निधि है उसका भी अगर आप आरटीआई के माध्यम से जवाब लेना चाहेंगे तो उसको भी ये पूरा खर्च नहीं कर पाए। ठीक है चलिए ठीक है नदीम साहब, ठीक है नदीम साहब, नदीम साहब प्रवचन नहीं वचन करिए, प्रवचन नहीं वचन की बात होगी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जरा इनको लीजिए जरा। नमस्कार साहब। नमस्कार। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहित मोदी। ठीक है मोहित जी, ये बताइए कार्यक्रम तो आप देख ही रहे होंगे, दोनों नेता जी आपके सामने हैं, एक सपा से हैं, एक बीजेपी से हैं, दोनों अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। आप बताइए जरा पीलीभीत का जमीनी हाल क्या है? पीलीभीत का जमीनी हाल मतलब विधायक जी से कितना संतुष्ट हैं आप? विधायक जी ने काम वाम किया कि नहीं किया? विधायक जी ने काम तो किया है लेकिन मतलब ये है कि रोजगार को लेकर कुछ नहीं है। अच्छा, रोजगार की समस्या है मोहित जी। चलिए ठीक है, एक बेरोजगार आया और चला गया। मोहित जी आप सुन रहे थे, आप मोहित जी को। चलिए हेमराज साहब, जाते जाते एक युवा बता के गया है कि रोजगार बड़ी समस्या है भैया, रोजगार रोजगार बांटिए। ठीक है, और ऐसे अपने विधायक जी से कहिए कि जनता को ऐसे मत डांटिए। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में अपनी बातें रखने के लिए। आप दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये आज यूपी एडिशन था मेरा गांव मेरा देश का। इसमें हमने चर्चा की कि दरअसल यूपी के वो क्षेत्र, वो विधानसभा के वो जमीनी हाल, वो गांव, वो आखिरी मकान जो आज भी मिट्टी का है, वो पहला मकान जो दरअसल तंदुरुस्त तो हो गया, जिसकी तबीयत में तो सुधार हुआ, लेकिन क्या आम जनता, क्या आम लोग, क्या ननकू, क्या रज्जाक, क्या राम, क्या रहीम, उनकी हालत क्या है? वो कैसे जी रहे हैं? शीला कैसे जी रही है? सीमा कैसे जी रही है? या फिर शबीना कैसे जी रही है? उनका क्या हाल है? क्या वो ठीक हैं? इसको जानने की कोशिश की। विधायक क्या कुछ काम कर रहे हैं, जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, इसको भी जानने की कोशिश की। अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज हमने पीलीभीत सदर विधानसभा का क्या हाल था, जमीनी हकीकत स्टूडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की, नेताओं को भी लपेटे में लिया। ऐसे ही हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और हर विधानसभा से हर क्षेत्र में हम लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे और लगातार ये जानने की कोशिश करते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का हाल क्या है, मौसम क्या है और सियासी हवा जो बह रही है उसमें कितना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल की जब बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो अखिलेश यादव के नाम के उसमें घूम रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल जो है वो योगी आदित्यनाथ के नाम के घूम रहे हैं। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो मोदी जी भी अब उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये तो जब मतपेटियां खोलेंगी तभी पता लगेगा, लेकिन उससे पहले लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए ताकि आप समझ सकें कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।